नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रोहतास जिले के करहागर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में संतोष कुमार मिश्रा को चुने जाने पर लोगों में उत्साह का माहौल है। इसी के साथ लोगों ने कहा है कि वह विधायक ना रहते हुए भी लोगों की मदद काफी करते हैं। रोहतास जिले के करहागर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में संतोष कुमार मिश्रा को सिंबल मिलने से करहागर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि संतोष कुमार मिश्रा विधायक नहीं रहने पर भी हम लोगों को हर समस्या मदद करते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत ही खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। देखिए, संतोष मिश्रा जी बहुत पुराने समय से उनके पिताजी के समय से ही उनके पिताजी यहाँ इतना काम कर चुके हैं लोगों के प्रति। उनको देखते हुए उनके जाने पिताजी के उनके निधन के बाद शुरू से कांग्रेस का काम करते रहे। कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में काम किए। उसी का एक दिन है कि आज उन्हें यहाँ से कांग्रेस से करहागर विधानसभा से आज उन्हें टिकट मिला और हमें लगता है कि बहुत बम्पर वोटों से यहाँ से जीत गए। देखिए, यहाँ के जो पहले के विधायक जो यहाँ कर चुके हैं उनके प्रति यहाँ के युवाओं से बहुत ज़्यादा नाराजगी चल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर शराब बिकवाने का काम उनके लोगों उन्हें उनके संरक्षण में उनके लोगों द्वारा यहाँ शराब का कारोबार किया गया जो पहले से बीच में चल रहा है। लेकिन उन्होंने आज तक करहागर बाजार में भी उनका राजनीतिक क्षेत्र करहागर से जुड़ा है और करहागर में कोई काम नहीं किया। बस दिखाते हैं कि निरीक्षण भवन बनवा के लिए, हमें नहीं लगता है कि निरीक्षण भवन से उनका क्या काम, जनता को उससे क्या फायदा। निरीक्षण भवन तो इसलिए बना है जिसमें सारे जनप्रतिनिधि बैठे, जनता को उससे कोई फायदा नहीं। हमें लगता है कि यदि हमारे संतोष मिश्रा जी करहागर विधानसभा के लिए जनता उन्हें अपना सेवक के रूप में यदि बनाती है, विधायक नहीं बन रहे सेवक, यदि करहागर विधानसभा की जनता उनको अपना सेवक मानती है, वो आने वाले समय में करहागर का चौमुखी विकास करेंगे और वो अच्छा करहागर बनाने का संकल्प। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।